गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट के बारे में। तो बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट अप्लाई करने के दुबई में कौन सा एड्रेस रहता है, तो वो एड्रेस को उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और एक ईमेल आईडी लगती है, वो ईमेल आईडी में बताऊंगा। तो उससे पहले हम जान लेते हैं सर गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट होता है क्या है। देखो, गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट ये होता है कि जहाँ पे हम एज अ फार्मासिस्ट काम करें मेडिकल स्टोर में, चाहे दुबई में चाहे होम कंट्री इंडिया में, ठीक है, जो मेडिकल का लाइसेंस रहता है और जो हमारा एज अ फार्मासिस्ट करता है वो दोनों अटैच रहता है मेडिकल से। तो हम ना जहाँ पे भी काम करें हम लॉ के हिसाब से काम करें, ठीक है। तो क्या होता है, जो मोस्टली जो ऑफिसर आते हैं वो बताते नहीं कि मैं डीएचए वाला हूँ या मैं डीआई ऑफिसर हूँ, ड्रग ऑफिसर हूँ। तो वो लोग आते हैं काउंटर पे, नॉर्मली मेडिसिन मांगते हैं जो कि विदाउट लॉ के हिसाब से हम दे नहीं सकते। तो अगर हमने वो दे दिया तो उस पर वो केस बना देता है, जिसकी वजह से हमारा गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट होता नहीं है। और जब हमारा गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट में एरर रहेगा, केस बन जाएगा, तो फिर हम दुबई के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसके लिए आप जहां पे भी काम करें तो लॉ के हिसाब से काम करें, ठीक है, हिसाब से काम करें। तो अगर हम मेडिकल में ऐसा काम करें तो हम एज अ फार्मासिस्ट लॉ के हिसाब से काम करें। जो मेडिकेशन विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं देना है वो हमको नहीं देना है, तो जो मेडिसिन ओटीसी देना है वही हमको सिर्फ देना है, ठीक है। मेडिकल की तरफ अगर हम एज अ फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं तो हमको ना बहुत एकदम, क्योंकि मेडिसिन से अगर हल्का सा भी ऊपर पावर ऊपर नीचे होता है तो पेशेंट को दिक्कत आ सकती है। तो जब भी प्रिस्क्रिप्शन आए तो हमको इजीली प्रिस्क्रिप्शन हाथ में लेना है, उसकी सबसे पहले उसका नाम और उसका हमको डेट देखना है कि वो प्रिस्क्रिप्शन कब का है। फिर उसका उस पेशेंट से पूछना है कि ये मतलब ये आपका है या नाम, ये कल का है, ये परसों का है, या जब कब, कभी कभी तो प्रिस्क्रिप्शन हमको देखना है। और फिर जितनी भी मेडिसिन लिखी गई है, फिर जितनी भी मेडिसिन उसके ऊपर लिखी गई है उसका हमको ना एकदम पावर देखना है और पावर के हिसाब से हमको दवाई देना है। क्योंकि मोस्टली जो हमारा जो मिस्टेक होता है वो हमारे पावर के अंदर ज्यादा होता है। जैसे नेक्सियम 20 लिखा है तो हमने नेक्सियम 40 दे दिए, या 40 लिखा है तो हमने 20 दे दिए। इससे बहुत सारे मेडिसिन के जो पावर रहते हैं, टेलमिकाइंड 20 लिखा है तो बस टेलमिकाइंड 20 पॉइंट, तो फॉर एग्जाम्पल टेलमिकाइंड 20 लिखा तो इंसान ने 40 दे दिया, जस्ट 40 दे दिया। जल्दबाजी हमको नहीं करना है, एकदम आसान से करना है। तो मैं आपको वो फॉर्म दिखाता हूँ कि वो फॉर्म कैसा रहता है और फॉर्म में क्या क्या भरना रहता है, ठीक है। तो लेके चलता हूँ मैं आप लोग को। तो ये आता है हमारा जो आता है गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट फॉर्म अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो पहला जो हमारा यहाँ पे जो रहेगा वो हमारा नाम रहता है, ठीक है। तो हम उसको ना यहाँ पे एकदम नाम हमारा पूरा जो फुल नेम है हमको वो पूरा भर लेना है, ठीक है। फिर जो हमारा फार्मासिस्ट जो नंबर रहता है वो हमको इधर पे नंबर डालना रहता है, वो हमको नंबर डालने के बाद फिर उसके हम नंबर डाल दिया हमने एज अ फार्मासिस्ट, जो हमारा लाइसेंस नंबर रहता है वो रजिस्टर नंबर। फिर उसके बाद हमारा आता है डेट की, कौन से डेट को हमारा रजिस्टर हुआ था वो हमको वो डेट का डेट डाल देना है, फिर ठीक है। फिर हम किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हम गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट के लिए टिक कर देना है। यहाँ रिन्यूअल डुप्लीकेट कॉपी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट न्यू पीपी ऐसा बहुत सारा लिखा हुआ गया। तुमको जिसके लिए अप्लाई करना है, तो हमने गुड स्टैंडिंग के लिए बात करते हैं, गुड स्टैंडिंग पे हमने क्लिक कर दिए। फिर आता है हमारा नीचे, ठीक है। फिर ये हमने डेट डाल दी, जब हम फॉर्म जिस दिन भर रहे हैं उस दिन हमने ये फॉर्म पे हमने डेट डाल दी। फिर यहाँ वापस से हमने जैसा फार्मासिस्ट लाइसेंस पे हमारा नाम लिखा है, हमने पूरा नाम ऐसा हमने लिख लिया है, फिर ठीक है। फिर हमने प्लेस डाल दी, आप जहाँ से भी आप वहाँ के प्लेस डाल दिए। फिर यहाँ हमारी साइन हो जाती है। ये साइन होने के बाद हमारा जो होता है सेकेंड पेज, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर ये हमारा आएगा सेकेंड पेज, ठीक है। तो यहाँ हमने अपना नाम डाल दिए, यहाँ हमने पूरा एड्रेस डाल दिए। पूरा एड्रेस डालने के बाद ये हमारा आ जाता है टोटल हमारा फोन नंबर आता है, तो हमने फोन नंबर डाल दिए। फिर यहाँ पे हमारा अपना ईमेल आईडी डाल दिए, ठीक है। फिर मेल आईडी डालने के बाद हमने वापस से हमारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है हमारा फार्मासिस्ट का, वो हमने वो डाल दिए, ठीक है। फिर यहाँ हमारे हमारी क्वालिफिकेशन क्या है, वो हमने बी फार्म की क्वालिफिकेशन या डी फार्म की क्वालिफिकेशन है तो हमने वो डाल दिए, ठीक है, या एम फार्म के जो क्वालिफिकेशन हमने वो डाल दिए। फिर यहाँ पे हमारा आता है कॉलेज का नाम, तो हमने अपने कॉलेज का नाम डाल दिए। फिर कॉलेज का नाम जो हम लिखने के बाद सबसे मेन होता है हमारा ये दो, ठीक है, ये दो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो दुबई का एज अ गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट हमको अप्लाई करना था उसको हमने वहाँ पे पूरा डाल दिए। एड्रेस जो दुबई हेल्थ अथॉरिटी, दुबई हेल्थ बिल्डिंग, अल मखदूम ब्रिज स्ट्रेट, बर दुबई 4545, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा जो ये ईमेल आईडी हमने डाल दिया, regulation@dha.gov.ae, फिर ये हमने डाल दिए। फिर ये होता है हमारा हमारा होता है डीएचए आईडी नंबर, ठीक है। देखो, डीएचए आईडी नंबर नहीं डालेंगे तो भी चलता है, डाल देंगे तो भी चलता है।
हमारा आता है DHRD नंबर। देखो DHRD नंबर मैं बताना चाहता हूँ, देखो मैं अपने हर वीडियो में बताता हूँ। चेक नंबर ये होता है कि जब हम एग्जाम देते हैं एज अ फार्मासिस्ट का, तो हम जो हम पास होते हैं तो उसका आईडी नंबर रहता है। अगर हमने वो डाल दिया तो भी चलेगा, अगर नहीं डाले तो भी चल जाता है। ठीक है, तो मैंने पहले देखो मैं बता जैसे अपने हर वीडियो में बताया, चाहे हम डेटा फ्लो के बाद भी एग्जाम दे सकते हैं या डेटा फ्लो के बाद पहले भी एग्जाम दे सकते हैं। डेटा फ्लो के लिए गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट लगता है, लेकिन एग्जाम के लिए उस टाइम गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट नहीं लगता, तो हमको ये चीज याद रखना चाहिए। तो जैसे अगर हम एग्जाम से पहले भी हम गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट बना सकते हैं, और या एग्जाम के देखो अगर हम गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट की बात करें तो हम उसको डेटा फ्लो के टाइम तो हमको गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट बनाना है, लेकिन एग्जाम अगर हम दे रहे DHA का तो उस टाइम गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट नहीं लगता है। ठीक है, तो हम उसको एग्जाम के बाद भी हम गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट बना सकते हैं। फिर जब ये फॉर्म फिलअप करने के बाद ना MSPC करके, जहाँ से मैंने महाराष्ट्र स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग से मैंने मेरा फार्मासिस्ट लाइसेंस था मेरा वहाँ से, तो मुझे सिर्फ MSPC महाराष्ट्र स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग का माना, तो वहाँ पे एक आईडी पासपोर्ट मिलता है। तो हमको वापस से जो अपना पोर्टल है, हमको अपना खुद का जो आईडी पासपोर्ट जो मिला वो हमको लॉगिन करना है, और ये फॉर्म स्कैन करके हमको फिर अपलोड कर देना है। तो वहाँ से लगभग 1 महीने के बाद हमको ना लगभग गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट हमारा बन के आ जाता है। फिर 1 महीने के बाद ना वो जब आता है तो वो दिखता कैसा है फिर मैं आपको वो बताता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा आ गया है महाराष्ट्र स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग से। ठीक है, तो देखो यही एड्रेस जो हमने जहाँ पे अप्लाई किए थे वहाँ का वो एड्रेस हमको प्रिंट करके वहाँ से महाराष्ट्र फार्मेसी काउंसिलिंग से आ जाता है। तो ये दिखने में सेम टू सेम यही रहता है, बस नाम हमारा मेंशन हो जाता है जो कि मोहम्मद हामिद मोहम्मद शाहिद खान, फिर हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर हमारा डेट। ठीक है, फिर इस पर एकदम क्लियरली लिखा रहता है कि जो, तो देखो ना फिर यहाँ पे ना एकदम साफ साफ लिखा रहता है, देयर इज नो एनी प्रोफेशनल कंप्लेंट रिसीव अगेंस्ट मोहम्मद हामिद मोहम्मद शाहिद खान टू दिस ऑफिस। तो यही हमारा जो मेन रहता है, हमारा जो मेन जो रहता है सिर्फ यही गुड स्टैंडिंग पे कि हमारा कोई कंप्लेन नहीं है, ये एकदम साफ साफ अक्षरों में हमको देखने को मिल जाता है। ठीक है, फिर हमारा इसके साथ अटेस्टेड का हमारा फार्मेसी लाइसेंस कॉपी भी आती है, जो कि यहाँ पे एक स्टैम्प रहता है, और जो हमारा फार्मासिस्ट में लाइसेंस पे ये स्टैम्प नहीं रहता है। तो ये बनने के बाद हमको ना फोटो कॉपी पे इसके जो गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट पे ये हमारा ये स्टैम्प लग के आ जाता है, तो ये हमारा वेरीफाई हो जाता है। ये हमारी 2 कॉपी होती है, ये दोनों कॉपी हमारी वेरीफाई हो जाती है। तो यही हमारा वेरीफाई हो जाता है, फिर हम इसको इजीली हम उसको डेटा फ्लो के में हम ये अपना PDF जो बनाए हैं गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट को हमको इजीली हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।